दोस्तों जिनका चैनल मोनेटाइज है उनके लिए खास तौर पर यह वीडियो है, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है वो भी यह वीडियो देख ले क्योंकि उनका भी चैनल बहुत जल्द ही मोनेटाइज होने वाला है, ये मेरा शुभकामना है। जिनका चैनल मोनेटाइज है उनके YTA स्टूडियो S में RPM और CPM देखने के लिए मिलता है। RPM और CPM को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि YouTube RPM का पैसा देता है या CPM का पैसा देता है, का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पैसा यूट्यूब जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो मिलते। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि RPM का फुल फॉर्म होता है रिवेन्यू पर माइल और CPM का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर माइल। RPM यूट्यूबर से जुड़ा हुआ है और CPM एडवर्टाइजर से जुड़ा हुआ है। जो आपके YouTube वीडियो से जो अर्निंग होता है उसमें से 45% YouTube खुद रख लेता है और 55% क्रिएटर को देता है। जो आपका अर्निंग शो करता है YT स्टूडियो S में वो 45% कटने के बाद ही आपका जो 55% जो अर्निंग है वही शो करता है। YouTube RPM का पैसा देता है या CPM का पैसा देता है, RPM CPM कभी अप कभी डाउन क्यों होता रहता है, तो वो सारा कुछ बताने के लिए दोस्तों ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको YT स्टूडियो एप्स को खोल लेना है। तो दोस्तों मैं YT स्टूडियो एप्स को खोल लेता हूँ। खोल लेने के बाद आपको कुछ इस इंटरफेस दिखेगा और जो भी आपके चैनल पर जो व्यूज सब्सक्राइबर और वॉच टाइम है जो कि 28 दिन के रेंज में वो आपको यहाँ पर शो करेगा। और जो भी आपके चैनल अगर मोनेटाइज है तो आपको यहाँ पर अर्निंग शो करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि हमारा अर्निंग शो करा है जो कि 10.44 यानी कह सकते हैं $10.50। तो जो कि जो अर्निंग शो करता है जो कि YouTube को 45% काटने के बाद ही जो हमारा जो अर्निंग शो करता है जो कि 55% जो अर्निंग हम लोगों को मिलता है वही शो कर रहा है जो कि 28 दिन के रेंज में। यहाँ पर नीचे साइड में जैसा कि एनालिटिक्स का ऑप्शन आता है सिंपल से उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिवेन्यू का ऑप्शन आ रहा है ऊपर साइड में, तो रिवेन्यू वाले ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अर्निंग है जो कि हमारा यहाँ पर भी शो करता है। और यहाँ पर साइड में यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं जो कि RPM है जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि 0.38 है। और इधर भी थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे जो कि यहाँ पर CPM है, जैसे यहाँ पर प्ले बैक वैसे CPM दिखाता है जो कि 80 है आप देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का मन में डाउट होता है हमें क्या क्या चीज़ का पैसा मिलता है। दोस्तों जो RPM होता है जो इसका मतलब है अगर हमारे वीडियो पर 1000 व्यूज आते हैं तो हमें इतना डॉलर मिलेंगे यानी 0.38। और जो और हो गया जो हम लोग क्या चीज़ का पैसा मिलता है, जो हमें व्यूज का पैसा मिलता है लाइक का और ना ही सब्सक्राइब का पैसा मिलता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर जैसा कि देखते हैं टॉप ग्राफी वाइज CPM आपको देखने के लिए नीचे साइड में मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि एक ऐसा पैसा शो करे डॉलर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जैसा कि यहाँ पर 34 दिखा रहा है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 ऐसे करके जो कि हर देश का अलग अलग, यानी कि जो कि हमारे वीडियो अगर हमारे यानी कि कनाडा में अगर हमारे वीडियो चलता है जैसा कि आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजर हैं जो हम मान के चलिए हम इंडिया का है, अगर हमारा जो वीडियो कंबोडिया में चलता है यानी कनाडा में चल रहा है तो जो कि एडवर्टाइजर को हर 1000 व्यूज पर $8 पे करना पड़े तो उसमें से हमको कितना मिलेगा, जो कि 55% जितना होगा वो हमको इतना मिल जाएगा कि पर जितने 1000 व्यूज आएंगे उस हिसाब से। अगर इस देश में चलता है क्रोएशिया है ऐसे करके तो वहाँ पर $34 देना पड़ रहा है एडवर्टाइजर को और उसका जो 55% होगा वो हमको मिल जाएगा और 45% YouTube खुद रख लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आप अपने चैनल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। अगर यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।